हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। मेरा परिवार बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। मेरा परिवार धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है और अगर आप भी मेरा परिवार का हिस्सा होना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को नीचे जो लाल बटन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए तो आप मेरे एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। आपको मैं बता दूं, मैं डॉक्टर कंचन गाबा कोलकाता से हूं। मैं एक ट्रांसफॉर्मेशनल लाइफ कोच हूं और आपके लिए अच्छे अच्छे ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियो लेके आती हूं और हम ट्रांसफॉर्मेशन की शायद एक नई परिभाषा लिख रहे हैं जो आज तक बहुत ज़्यादा बोली नहीं गई लेकिन मैजिक की तरह काम करती है। दोस्त, शुरू में ही मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। सारे दिन में आप कितनी बार आपको खुद को क्रिटिसाइज करते हैं? कितनी बार सोचते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस का नहीं है, पता नहीं मेरी ही किस्मत में ये क्यों लिखा है, पता नहीं मेरे साथ ही ये क्यों होता है। कॉलेज में गर्लफ्रेंड मिली थी वो भी भाग गई, शादी की बीवी भी रोज झगड़ा करती है, बच्चे भी मेरी बात नहीं सुनते, बॉस भी खिच खिच करता है, जिंदगी एकदम झंड हुई पड़ी है और पता नहीं क्या क्या। अगर इनमें से कोई या एक भी सोच आप दिन में आपके लिए सोचते हैं तो ये वीडियो मेरी रिक्वेस्ट है, आप आखिर तक देखिएगा। अगर आज के वीडियो में आपने दिल लगा के देखा और सुना और उसके बाद उसके ऊपर रिफ्लेक्शन किया तो उसकी गारंटी मेरी है कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पहली तो बात है कि हम क्रिटिसाइज अपने आप को करते क्यों हैं? ये क्रिटिसिज्म ही हुआ ना कि मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे से कुछ भी काम ठीक से होता ही नहीं, पता नहीं मेरे में ही कोई कमी है। इसे हम कहते हैं सेल्फ क्रिटिसिज्म। ये सेल्फ क्रिटिसिज्म हम क्यों करते हैं? अगर आपने पेरेंटिंग का मेरा वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा कि बचपन में पेरेंट्स हमें बहुत टोकते हैं, तुम तो ऐसी हो, तुम बहुत स्लो हो, तुम्हारे हाथों से हमेशा चीज़ें गिर जाती हैं, उस बच्चे को देखो हर साल फर्स्ट आता है। तो एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास एक ब्लैंक कैनवस होता है। जब वो पेरेंट्स की बात सुनता है, टीचर की बात सुनता है, नेबर्स की बात सुनता है तो उस कैनवस पे वो अपनी एक पेंटिंग बनाना शुरू करता है कि मैं ऐसा हूँ, क्योंकि उससे नहीं पता होता कि कौन से वर्ड्स लेने हैं और कौन से वर्ड्स नहीं लेने हैं। वो अपनी पेंटिंग बनाना शुरू करता है। और आप जब बड़े हो गए हैं, हम जब बड़े हो गए हैं तो हम उसी पेंटिंग के ऊपर डिपेंड करके अपने वही इमेज अपने सबकॉन्शियस में लेके रखे हैं कि मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरी ही किस्मत खराब है। आपका जरूर ये कोई पुराना रेफरेंस होगा जहां से आपका सबकॉन्शियस आपको ये पॉपअप देता है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अब आप कहेंगे हाँ ठीक है, मैं तो खुद को ही क्रिटिसाइज कर रहा हूं, लेकिन मैं दूसरों के साथ बहुत प्रेम से बात करता हूं, मैं दूसरों के साथ बहुत प्यार से बात करता हूं, मैं दूसरों को बहुत अहमियत देता हूं, तो फिर लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? वाइफ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? बॉस मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? स्टाफ मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? कोलीग्स मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मेरे नेबर्स मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? फ्रेंड्स, आज आपको एक गहरी बात बताती हूँ। जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, आप अपनी फ्रिक्वेंसी को लो करते हैं, आप अपने वाइब्रेशन को लो करते हैं, आप अपनी एनर्जी को लो करते हैं और उस लो एनर्जी के साथ, उस लो वाइब्रेशन के साथ, उस लो फ्रिक्वेंसी के साथ जब आप
औरों के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो आप क्या फैलाएंगे? नेगेटिविटी, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी नेगेटिव जा रही है, आपकी एनर्जी नेगेटिव जा रही है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने एक परफ्यूम लगाया है और मैं इस रूम में घुसी हूँ तो मुझे स्मेल आएगी, राइट? क्योंकि वो स्मेल अब आपने लगा लिया है। तो आप अपने लिए जब क्रिटिसिज्म का परफ्यूम लगाते हैं और आपके साथ जो इंटरैक्ट करता है तो उसको क्या मिलेगा? वही नेगेटिविटी वाला परफ्यूम। दोस्त, सोचने की कोशिश करिए कि आपके अंदर की नेगेटिविटी वो दूसरों को फैलाती है, भले ही वो आप खुद के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन आपका ऑरा नीचे गिर जाता है, आपका ऑरा सुकड़ जाता है, आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत लो हो जाती है। आपने गलती की और आपकी बैटरी 50 पे आ गई। अब आपने कहा कि मेरे से तो कभी कुछ होता ही नहीं, मुझे तो पहले ही पता था ये काम मैं कर नहीं पाऊंगी, तो आपकी बैटरी क्या हुआ? फर्दर डिप्लीट हुई, 30 पे आ गई। अब समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? आप कहते हैं मैं अपने कोलीग से इतना प्यार करता हूँ, आप कहते हैं मैं वाइफ से इतना प्यार करता हूँ, आप किस एनर्जी से प्यार करते हैं? एक चीज याद रखिए, खुद से नफरत, दूसरों से मोहब्बत, नॉट पॉसिबल। अगर दूसरों से मोहब्बत करनी है तो पहले आपको आपसे मोहब्बत करनी पड़ेगी, और अगर आपको आपसे मोहब्बत करनी पड़ेगी तो आपने बचपन में वो जो सेल्फ इमेज आपकी बनाई है, जो पेंटिंग की है, हो सकता है वो पेरेंट्स के द्वारा हो, टीचर के द्वारा हो, नेबर के द्वारा हो, आपको पेंटिंग को चेंज करना पड़ेगा। दोस्त, पेंटिंग में करेक्शन की जा सकती है ना? अब तो आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उनको यूज़ करके आप अपने कैनवस के कलर्स को बदल सकते हैं, आप अपने सेल्फ इमेज को बदल सकते हैं। अगर आप अपने सेल्फ इमेज को बदल लोगे, आप सेल्फ लव शुरू कर दोगे, और अगर आप सेल्फ लव शुरू कर दोगे तो आप हमेशा हाई एनर्जी में रहोगे, और आप अगर हमेशा हाई एनर्जी में रहोगे तो आप अच्छे लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करोगे, और अगर अच्छे लोग आपके पास आएंगे तो आपका काम यूं ही बनता चला जाएगा। है ना मजे की बात? बस एक ही तो काम करना है, सेल्फ इमेज को करेक्ट करना है। तो पहले लिखिए आप कहां कहां अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं और किस किस काम के लिए आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, और फिर सोचिए अगर आपका दोस्त उसी चीज को आपके पास लेके आता तो आप उसका क्या आंसर देते। सपोज अगर आपका दोस्त आपके पास आके कहता है कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, तो क्या आप उसको कहते हैं हाँ हाँ तेरी तो किस्मत ही ऐसी है? आप नहीं कहते ना, आप कहते हैं नहीं दोस्त, तुम गलत समझ रहे हो, आओ इसको मिलके सल्यूशन करते हैं, क्या हुआ है बताओ। तो ये बातें तो आप अपने साथ भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने साथ बातें करना शुरू करिए, अपनी सेल्फ इमेज को रिपेयर करना शुरू कीजिए, अपने कैनवस में नए रंग डालने शुरू कीजिए। बस जिस दिन आप अपने सेल्फ इमेज बना लेंगे उस दिन आप वंडर्स करना शुरू करेंगे। और अगर आप इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है उसको कृपया करके भर दीजिएगा, ताकि आपके लिए आप बेहतर लेवल पे पहुंच सके इसकी इन्फॉर्मेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे पाएं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे ब्लेस्ड।